हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। सो ये वीडियो होने वाला है वाइट एफएफ यूएमपी हेडशॉट रिग के ऊपर। अभी यूएमपी थॉमसन एंड MP5 अभी के टाइम पे ये गन्स का एसएमजी गन्स में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। एंड अभी के टाइम पे जो सबसे ज्यादा गन का यूज किया जा रहा है वो है यूएमपी। एंड अगर आप लोग ने देखा होगा कि यूएमपी का अपडेट के बाद डैमेज कम कर दिया है एंड उसके साथ साथ रेंज भी कम किया है, जिसकी वजह से अगर आप लोग लॉन्ग रेंज में एनिमी के ऊपर डैमेज देते हो तो बहुत ही कम डैमेज जाता है। एंड वहीं अगर आप लोगों का एम हेड पर कनेक्ट होता है तभी भी आप लोगों को 3 या 4 गोली मारना पड़ता है। सो यस गाइस, यार इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एंड यार इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का भी पूरी तरीके से रेड नंबर के साथ यूएमपी का हेडशॉट लगेगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी ट्रिक्स को कवर किया है वो सारे लीजेंड्स प्लेयर फॉलो करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई चैनल पे नए हैं यार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए गाइस यार, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बेसिक सेटिंग आप लोगों को अपने गेम के अंदर जरूर करना है, जैसे अपनी सेंसिटिविटी को बहुत ज्यादा रखना, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि परफेक्ट ड्रैग एंड परफेक्ट लेवल का वन शॉट कनेक्ट करने के लिए आप लोगों की सेंसिटिविटी कितना ज्यादा मैटर करता है। वहीं अगर आप लोग एक परफेक्ट लेवल का अपनी सेंसिटिविटी को हाई पे नहीं रखते, बहुत ही कम चांस होता है कि आप लोगों का इजीली तरीके से हेडशॉट या फिर ड्रैग शॉट कनेक्ट हो। देखो, आप लोगों को अपने गेम के अंदर ऐसी 2 सिचुएशन बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है जहां पर आप लोगों को एनिमी के ऊपर बहुत ही जल्दी फायर करना होता है। एंड अगर आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर हैं जो कि कहते हैं कि अपने एम को कनेक्ट करने के लिए एनिमी के चेस्ट पे लेके जाना होता है, एंड देन अगर आप लोग उसके बाद अगर ड्रैग करते हो तब जाके आप लोगों का यूएमपी से रेड नंबर लगेगा। ये बात सही है कि आप लोगों का रेड नंबर लगता है अगर आप लोग एनिमी के चेस्ट पे एम को अपने कनेक्ट करते हो तो। बट अपने गेम के अंदर ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है जहां पर एनिमी अपने सामने डायरेक्ट आ जाता है, एंड ऐसे टाइम पर आप लोगों को एनिमी के हेड पे अपना एम कनेक्ट करने के लिए नहीं मिलता है। अब ऐसे टाइम पर आप लोगों को अपने फायर बटन को थोड़ा तेज से ड्रैग करना होता है, यानी कि थोड़ा स्पीड में ड्रैग करना होता है, वो भी लॉन्ग रेंज के मुकाबले। एंड आप लोगों का ये मैटर नहीं करता कि आपका एम कहां पर है, बस आप लोगों को इतना ध्यान देना कि आपका एम एनिमी के आसपास होना चाहिए। एंड जैसे ही आप लोग एकदम हेड के लिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, एकदम स्पीड से ड्रैग करोगे, बहुत ही इजीली तरीके से आप लोगों का एम कनेक्ट हो जाएगा। एंड जैसा कि आप लोग यही सेम चीज आप लोग वीडियो के क्लिप में भी देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को सीधा डायरेक्टली बहुत ही स्पीड तरीके से ड्रैग करना है। एंड आप लोग देखोगे कि गाइस यार, आप लोगों को बहुत ही इजीली तरीके से आप लोगों का हेड पे एम कनेक्ट होगा। एंड अगर आप लोगों का एम चेस्ट पर है तब आप लोग नॉर्मल से ड्रैग करके इजीली तरीके से एनिमी को हेडशॉट मार सकते हो। ऐसे टाइम पर आप लोगों को बस इतना ध्यान देना कि आप लोगों का जो फायर बटन को जो ड्रैग कर रहे हो एकदम स्ट्रेट ड्रैग करना है, यानी कि गाइस यार अपने फायर बटन को सीधा ऊपर की तरफ ही ड्रैग करना है। अब ये चीज बहुत सारे बंदे के साथ होता है, जब सामने वाला एनिमी हमारे ऊपर फायर करता रहता है एंड हम लोग कवर लेके फायर करते हैं, एंड हम लोग कितनी बार भी ट्राई कर लेते हैं तो बार बार अपना एम एनिमी के सीधा बॉडी पे ही चपकता है। इसका रीजन है कि आप लोग एक परफेक्ट ड्रैग नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से आप लोगों का एम डायरेक्ट एनिमी के बॉडी पे ही चपकता है। अब देखो, कभी भी अगर आप लोग कवर में रह के एनिमी के ऊपर फायर कर रहे हो, वैसे टाइम पे आप लोगों को थोड़ा सा अपने फायर बटन को रोटेशन ड्रैग का यूज करना, यानी कि गाइस यार जस्ट आप लोगों को अपने फायर बटन को कुछ इस तरीके से अपने फायर बटन को ड्रैग करना है। जैसे ही अगर आप लोग इजीली तरीके से ड्रैग करते हो तो बहुत ही इजीली तरीके से एनिमी के हेड पे डायरेक्ट आपका रेड नंबर के साथ एम कनेक्ट होगा। अब हमारा आता है, आप लोग कभी भी फायर करते समय आप लोगों को कभी भी कंटिन्यू फायरिंग नहीं करना है। एंड जब आप लोग कंटिन्यू फायरिंग करते हो तो आप लोगों का पूरी तरीके से एम रिकॉइल हो जाता है, एंड जिसकी वजह से बहुत ही कम चांस होता है कि आप लोगों का एनिमी के हेड पर आपका एम कनेक्ट हो। आप लोगों को हमेशा इतना ध्यान देना कि जब भी आप लोग एनिमी के ऊपर फायर कर रहे हो एंड यार हेडशॉट लेने की कोशिश कर रहे हो, आपको हमेशा 4 या 5 गोली फायर करने के बाद तुरंत अपने फायर बटन को छोड़ देना है। देन उसके बाद फिर से 0.0 सेकंड के अंदर फिर से आप लोगों को अपने फायर बटन को पकड़ लेना है। एंड देखना गाइस यार, अगर आप लोग इस टेक्निक को अगर फॉलो करते हो बहुत ही इजीली तरीके से आप लोगों का हेडशॉट एनिमी के ऊपर कनेक्ट होगा। अब मैक्सिमम बंदे ये मिस्टेक को जरूर करते हैं, आप लोग फायर करते समय अपनी जॉयस्टिक को पकड़ कर एनिमी के ऊपर फायर करते हो, वैसे टाइम पर आप लोगों का हेडशॉट लगना ना के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का एम और भी ज्यादा रिकॉइल हो जाता है। अगर आप लोग किसी भी लेजेंड प्लेयर को देखोगे तो वो बंदा हमेशा यही कोशिश करता है कि हमेशा स्टिल पोजिशन में फायर करता है, यानी कि गाइस यार अगर आप लोग वाइट एफएफ को भी देखोगे वो बंदा स्टिल पोजीशन में, यानी कि सीधा खड़ा होकर सीधा ड्रैग शॉट करने की कोशिश करता है, तभी उसका इजीली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट होता है। एंड यही सेम चीज आप लोगों को हर जगह हर प्लेयर में देखने के लिए मिलेगा, वो बंदा कभी भी अगर फायर करता है तो आप लोगों को देखने के लिए यही मिलेगा कि स्टिल पोजीशन में फायर करता है, जिसकी वजह से उसका पूरा रेड नंबर के साथ हेडशॉट कनेक्ट होता है। एंड वहीं अगर आप लोग अपने रिकॉइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो उसकी जगह पे आप लोग दासा कैरेक्टर का यूज कर सकते हो, जो कि ये कैरेक्टर आप लोगों के रिकॉइल को बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करता है, तो आप लोग चाहो तो इस कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो। तो बस यार गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप गाइस यार कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।